GS1 से जब मैं रजिस्टर्ड हो जाता हूँ, तो उससे पहले मुझे जो ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट है यहाँ पर, उससे अपना जो ब्रांड है, ब्रांड नेम, वो रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा उससे पहले। डिपार्टमेंट जो जो ये जो रजिस्टर्ड करता है ब्रांड वगैरह। कौन सा? नो 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 नो, आप चीज समझे नहीं। आपको सिर्फ एनटीएन रजिस्टर करवाना है, ऐसे ही जिस तरह कंपनी एनटीएन रजिस्टर करवा वो रजिस्टर्ड है, सही है। रहा है, ठीक है, वही आपका कंपनी का ब्रांड बन गया, आपकी कंपनी का नाम ब्रांड बन गया। मेरे जो एनटीएन पे 3 कंपनीज आ रही हैं, एक आ रही है अल्हम्द इंडस्ट्रीज, एक आ रही है अलशेख पैकेजिंग, और थर्ड आ रही है हाई ग्रेड इंस्पेक्शन सर्विसेज। हाँ, लेकिन हम यहाँ पे मिक्स नहीं ना करेंगे। यू हैव वन एनटीएन रजिस्टर्ड ऑन योर आईडी कार्ड नंबर, जो कि आपका आपके साथ रजिस्टर्ड है, राइट? वो लेकिन तो ऑलरेडी हुआ हुआ है। वो ऑलरेडी हुआ हुआ है, लेकिन हर कंपनी जो रजिस्टर हुई हुई है आपके एनटीएन के साथ, उसका भी अपना सेपरेट एनटीएन नंबर है। दिस इज व्हाट आई नो एंड आई हैव फेस्ड एंड लिव्ड। हर कंपनी का भी इंडिपेंडेंट सिचुएशन है। वो कोड्स आपको, हम उसको बोल सकते हैं ना कि भई ये जो 3 कंपनीज आ रही हैं एनटीएन पे, इसमें आप जो है वो हाई ग्रेड को कर दें, रजिस्टर्ड बिल्कुल कर दें अपने साथ। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो मुझे पता है, मेरा जो लॉयर है, मैं उसे कहता हूँ यार मैंने ये ब्रांड रजिस्टर करवाना है, वो कहता है कि ठीक है, और मैं वो कहता है आप मुझे लेटर हेड उसका बना के दे दें, उसके नाम का बैंक अकाउंट बना ले और मुझे सेंड कर दे, मैं और बिजली का बिल एक सेंड कर दे, मैं उसे भेज देता हाँ, हूँ, तो वो उस कंपनी का मुझे एनटीएन। इसका मतलब ये हुआ उसने ब्रांड नहीं रजिस्टर्ड किया, उसने आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड कर उसने दिया कंपनी आपके रजिस्टर पास। किया, राइट, लेकिन GS1 आपकी कंपनी को ब्रांड में कन्वर्ट कर रहा है। यहां पे हम ये चीज समझ रहे हैं, मतलब वो GS1 जो है वो मेरी कंपनी को रजिस्टर्ड कर रहा है एज अ ब्रांड, एज ए ब्रांड, सही है। क्योंकि वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर शो हो रहा है। लेट मी शो एन एग्जांपल। तो वो मेरे मेरी मेरी प्रोडक्ट पे क्या शो होगा? जैसे हाई ग्रेड इंस्पेक्शन सर्विसेज है, तो वो क्या अच्छा, शो करेगा? मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, एक मिनट वेट कीजिएगा, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है। जी अब देखें, 3M साइंटिफिक एंगलर्स, ठीक है, 3M साइंटिफिक एंगलर्स, ये आपकी कंपनी का नाम है पाकिस्तान में, और आपका ब्रांड का नाम है Amazon FBA USA। हाँ, Amazon FBA USA। अच्छा, जी बिल्कुल। अब यहां पे लिखा हुआ है 3M साइंटिफिक एंगलर्स, यहां तक कंपनी का नाम है, मतलब ब्रांड का नाम है, और ये आप नोट करें तो एक प्रोडक्ट, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? अच्छा, जी सर, आ रही है। और ये आप देखें कि यहां तक एंगुलर्स तक कंपनी का नाम है, मतलब ब्रांड का नाम है, उसके बाद टाई पास कॉम्बो टूल, ये उस टूल का नाम है, उसके बाद लिखा हुआ है उसका कलर, कलर कोड है सिल्वर, उसके बाद लिखी हुई है उसकी कंडीशन, ये टूल क्या है सर? द फास्ट कॉम्बो टूल, ये मैंने कुछ भी ये कोई क्या भी चीज़ टूल उठाया है, कोई भी टूल उठाया है इंटरनेट से, मतलब गूगल के ऊपर इमेजेस सर्च किया। है? ठीक है, ये क्या है? ये ब्रांड, ये तो कंपनी का नाम हो गया जो ब्रांड है मेरा, 3M साइंटिफिक एंगलर्स। बिल्कुल, उसके ये बाद द फास्ट कॉम्बो टूल, टाई फास्ट कॉम्बो टूल, ये उस प्रोडक्ट का नाम है, मतलब प्रोडक्ट का नाम पहले, प्रोडक्ट मतलब आप ये कह लेंगे ये लिखा हुआ है कि पेंसिल, पेंसिल लिखा हुआ है, आगे कलर लिखा आगे कलर लिखा हुआ ठीक है, आगे कंडीशन लिखी हुई है न्यू। है। ये जो स्टिकर इसके ऊपर लगा हुआ है, ये GS1 मुझे देगा। अब एक और चीज नोट करें, और यहाँ से जो मेरा मेरा जो माल है वो अमेज़न डायरेक्ट जाएगा या मैं यहां से शिप करूंगा बैठ के, अब देखें जो भी कस्टमर ये बहुत होगा? अब ये जो इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास, आप किस तरह करना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि इस बारकोड की बैक साइड पे आप देखें, एक
और बारकोड मौजूद है जो कि मैन्युफैक्चरर में बारकोड है, वो सिंपल बारकोड है, ठीक है। लेकिन ये बारकोड स्पेशली अमेज़न एफबीए का बारकोड है जिसके ऊपर उसकी अदर डिटेल्स भी लिखी हुई है, मतलब ये वर्टिकल लाइंस, उसके नीचे उसका नंबर, लेकिन अमेज़न एफबीए का बारकोड ऐसा होता है कि उसके नीचे ब्रांड का नाम, नेम ऑफ द टूल, कलर कोड एंड कंडीशन लिखी हुई होती है। अब ये इंफॉर्मेशन उसे GS1 दे रहा है, अमेज़न इसे शो कर रहा है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन कहां से उठा रहा है, GS1 से उठा रहा है, एटलीस्ट ये वाली इंफॉर्मेशन, 3M साइंटिफिक एंगलर्स, उसके बाद की ये चीजें कलर और कंडीशन वगैरह ये आप खुद टाइप करते हैं। लेकिन GS1 जो है वो अमेज़न का रजिस्टर्ड पार्टनर है जो ये सर्विसेज देता है अमेज़न के लिए बारकोड की पूरी दुनिया में, ठीक है। अच्छा, ये ओके हो गया। दूसरा, आपने क्वेश्चन किया कि क्या आपको पाकिस्तान से भेजना, नहीं, आपके पास बहुत बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अगर आप किसी ऐसे मुल्क में हैं जो कि अमेज़न एफबीए से अप्रूव्ड है तो यू कैन डू ड्रॉप शिपिंग टू, अगर आप किसी ऐसे मुल्क में जो अमेज़न एफबीए से अप्रूव्ड नहीं है तो यू कैन डू अमेज़न एफबीए USA by using their fulfillment option, and मतलब आप उसे पाकिस्तान से भी उठा के भेज सकते हैं अमेज़न एफबीए USA में, और चाइना से या किसी और मुल्क से भी उठा के भेज सकते हैं। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। यू कैन ज्वाइन आवर ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग सेशंस, डेली लाइव ट्रेनिंग सेशंस, और यू कैन कम टू आवर ऑफिस फॉर फेस टू फेस ट्रेनिंग सेशंस। काइंडली कॉल और व्हाट्सएप 03200004536।